बढ़ते आगे खबर दंतेवाड़ा से है, जहां शहीद जवानों को अंतिम विदाई थोड़ी देर में सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम बघेल। बता दें, पुलिस लाइन में शहीद जवानों को सलामी दी जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कल नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर शहीद हो गया था। नक्सली हमले के बाद सीएम बघेल ने कर्नाटक दौरा भी रद्द कर दिया है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीर गृहग्राम रवाना किया जाएगा। बड़ी खबर है कि अब से कुछ देर बाद सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहां पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम रवाना किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद दंतेवाड़ा पहुंचने वाले हैं। दरअसल बुधवार को हुए नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और एक सिविलियन ड्राइवर की भी मौत हो गई। सभी जवान एक पिकअप वैन में सवार थे और दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये वैन आईईडी की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं और इस हमले के बाद से ही सबकी आंखें नम है, गमगीन माहौल है। इसी के बीच सीएम भूपेश बघेल ने अपना कर्नाटक दौरा भी रद्द कर दिया है, लेकिन अब से कुछ देर बाद सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने के बाद सभी के पार्थिव शरीरों को उनके गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। बता दें, भूपेश बघेल ने कल कहा था कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अब अंतिम फेज में है और योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। ये बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल ने कल दिया था हमले के बाद, लेकिन इस हमले में 10 जवानों की मौत हो गई, 10 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर भी इस हादसे की चपेट में आने से शहीद हो गया। देखिए तस्वीरें, हर किसी की आंखें नम है, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए क्षति का माहौल है। और अब से कुछ देर बाद दंतेवाड़ा सीएम भूपेश बघेल पहुंच जाएंगे। देखिए 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बड़ा अपडेट इसी बीच आ गया है कि सीएम भूपेश बघेल जो है दंतेवाड़ा पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे और उसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। देखिए 5 तस्वीरें और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए समझे नक्सली हमले में शहीद जवान के, हम आपको लगातार नाम बता रहे हैं। प्रधान आरक्षक मुन्ना राम करती जो जवान है वो शहीद हो गए हैं। प्रधान आरक्षक संतोष तामो भी हादसे में शहीद हो गए। नव आरक्षक दुलगो मंडावी भी शहीद हो गए हैं। साथ ही नव आरक्षक लखमू मरकाम भी कल के हमले में शहीद हो गए हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं। ये वो 10 जवान हैं जो कल के हादसे में शहीद हो गए। यानी लाल आतंक का कहर लगातार देखा जा रहा है। लाल आतंक का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कल आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 10 जवानों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। देखिए किस तरह से कितने नक्सली हमले कब हुए हैं और कितने जवान नक्सली हमले में शहीद हुए हैं, ये भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से लाल आतंक लगातार कहर बरपाता जा रहा है। लेकिन कल सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया था कि अब जो नक्सलवाद है वो खत्म होने के अंतिम फेज में है। लेकिन कल बेहद ही बड़ा हादसा देखा गया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये क्षति मानी जा रही है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहादत को सलाम। देखिए किस तरह से अब से कुछ देर बाद खुद सीएम भूपेश बघेल सभी जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। देखिए किस तरह से परिजनों का हाल बेहाल है, सभी की आंखें नम हैं। अभी किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन लेना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, इसलिए संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद ही फिर हम एक कॉन्क्रीट किसी एक कारण में अपन पहुंच पाएगा। इस पे जो डीआरजी में जो फ्रेश रिक्रूट्स भी है, जो नक्सल पीड़ित भी है और जो नक्सल सरेंडर कैडर्स भी है, जैसे कल वाला घटना में भी उसमें तीनों प्रकार का जो थे, जो फ्रेश रिक्रूट्स भी थे, जो सरेंडर नक्सल कैडर्स भी थे और साथ साथ जो नक्सल पीड़ित थे, उन्होंने भी मतलब बाद में जैसा उनका पुनर्वास नहीं दिखता तो पुलिस में उनका बल में मौका दी जाती। इस प्रकार मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन थे।
शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने का समय आ गया है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद खुद सीएम भूपेश बघेल पुलिस लाइन में शहीद जवानों को सलामी देंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। बता दें कल नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात की थी, जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया। देखिए तस्वीरें, सीएम भूपेश बघेल को सलामी, पुलिस माने श्रद्धांजलि दौरान जो शहीद जवान को उद्देश्य से भगवान नॉन डाउन करा गला श्रद्धांजलि प्रक्रिया देखंतु संपूर्ण भाबे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सीएम भूपेश बघेल देखे दे रहे हैं, सलामी दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं, साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी वहां मौजूद हैं, सांसद दीपक बैज भी मौजूद हैं वहां। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, बेहद ही गमगीन माहौल है, सभी की आंखें नम है और श्रद्धांजलि देने के बाद सभी के पार्थिव शरीरों को गृहग्राम रवाना किया जाएगा। देखिए तस्वीरें, सीएम भूपेश बघेल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं, साथ ही सांसद दीपक बैज भी वहां मौजूद हैं। सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर। कल नक्सली हमले में हमारे 11 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही गमगीन माहौल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। खुद पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, सभी ने इस हमले के बाद दुख जाहिर किया, लेकिन अब खुद सीएम भूपेश बघेल कर्नाटक द्वारा रद्द कर दंतेवाड़ा पहुंचे, वहां पर उन्होंने शहीद जवानों को सलामी दी और उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित जवानों के यहां पर की जा रही है। हर किसी की आंखें कल के हादसे के बाद नम है। देखे तस्वीरें, खुद सीएम भूपेश बघेल जो हैं दंतेवाड़ा पहुंचकर सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, सलामी दी और उसके बाद शहीद जवानों के
पार्थिव शरीरों को उनके गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। 11 जवान थे जो नक्सली हमले में शहीद हो गए। देखिए सीएम भूपेश बघेल शहीद जवानों के परिजनों से हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय ढांढस बंधाते हुए परिजनों का सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। ढांढस यहां पर सीएम भूपेश बघेल की ओर से बांधा जा रहा है क्योंकि सभी परिजन शहीद जवानों के वहां पर मौजूद हैं। उनसे हालचाल सीएम भूपेश बघेल जान रहे हैं, उनका ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। शहीद जवानों को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। पुलिस लाइन में शहीद जवानों को सलामी दी गई है। सलामी देने के बाद, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद खुद सीएम भूपेश बघेल जो हैं शहीद जवानों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सांत्वना देते हुए सीएम भूपेश बघेल इस समय परिवार वालों का, परिजनों का नजर आ रहे हैं क्योंकि बेहद ही गमगीन माहौल है, सभी की आंखें नम हैं। उसमें खुद सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे और सभी को सांत्वना देते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। शहीद जवानों को अंतिम विदाई सीएम भूपेश बघेल ने दी है, अंतिम सलामी सीएम भूपेश बघेल की ओर से दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। और अब से कुछ देर बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को गृहग्राम रवाना किया जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी मौजूद हैं। बता दें दंतेवाड़ा के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक का दौरा रद्द कर दिया। खुद सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे, शहादत को सलाम किया, श्रद्धांजलि दी शहीद जवानों को। परिवार वालों के साथ उन्होंने मिलकर उनका ढांढस बंधाया, सांत्वना दी क्योंकि बेहद ही गमगीन माहौल है, सभी की आंखें नम है। इस बीच खुद सीएम भूपेश बघेल परिवार वालों से और परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। कल नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर शहीद हो गया और आज खुद सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें सलामी दी, श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में शहीद जवानों को सलामी दी गई है। देखिए तस्वीरें, आंखें नम करने वाली तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिवार वाले भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद शहीद जवानों के भगत पीछे पीछे आ जा। ए भाई मोबाइल थोड़ा पीछे हो जा दादा। Oh, my God.
देखिए किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बेहद ही गमगीन माहौल, हर किसी की आंखें नम है क्योंकि कल नक्सली हमले में 11 जवान हमारे शहीद हो गए। जी, जिस प्रकार से कल जो दुखद घटना सामने आई है जिसमें डीआरजी के जो है 10 जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की भी मृत्यु हो गई है, वहीं आज दंतेवाड़ा में जो पुलिस लाइन में जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी पहुंचे हुए हैं और साथ ही डीजीपी अशोक जुनेजा जी यहाँ पर मौजूद है। जवानों को जो है सलामी दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने परिवारजनों से मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना दी है और इस दुख की घड़ी में जो है उनकी ओर से, शासन की ओर से जो भी जो है मदद हो सकती है वो करने की बात कही गई है और लगातार यहाँ पर जो है परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी पार्थिव शरीर को जो है सभी के गृहग्राम के लिए रवाना किया जा रहा है। तो याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है और ये जो इस प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। सर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अगर ऐसी घटना रिपीट ना हो तो ऐसा कोई मैसेज? उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को, जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस लाइन में जवानों को सलामी दी गई है। खुद सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक दौरा रद्द कर दंतेवाड़ा पहुंचे, वहां जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और अब से कुछ देर बाद श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों को उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने परिवारजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। सांत्वना देते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। दो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जबकि है जब सीएम भूपेश बघेल ने सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, देखा जाता है आमतौर पर नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद होते हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार सरकार की ओर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है, लाल आतंक जो है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
जी देखिए, जिस प्रकार से जो है, चाहे वो राज्य शासन की बात करे या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करे, केंद्र सरकार जो है लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, और कहीं ना कहीं जो है बीते कुछ समय में देखा भी गया कि नक्सल बैकफुट है, लेकिन बीते कुछ महीनों से टीसीओसी के दौरान देखा जा रहा है कि नक्सली बड़े बड़े जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इसी दौरान जो है कल एक जिस प्रकार से जो है आईडी ब्लास्ट करके एक वाहन को उड़ाया गया, जिसमें हमारे जो है डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं, इसके बाद से ही जो है यहाँ पूरा मातम सा पसरा हुआ है, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं जो है अब श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम बघेल जो है जो जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, परिवार से मुलाकात किए हैं, उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को सभी जवानों के शहीद जवानों के गृहग्राम के लिए रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पार्थिव शरीरों को अब उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। रवि, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से नक्सल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन इस समय कैसी अपडेट है पूरे इस हमले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल हमले को लेकर जो है काफी कुछ जो है यहाँ पर सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। आसपास के जो जिले हैं या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर सर्चिंग बढ़ा दी गई है और हर वो सावधानी रखा जा रहा है कि किस प्रकार से क्या जो है जो सेफ रह सके, और जो है नक्सल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो है पूरी रणनीति बनाई जाएगी। जिस प्रकार से खबर आई थी कि कल जो है एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली थी जो है, और पुलिस के बड़े आला अधिकारियों ने बैठक ली थी, और कहीं ना कहीं वो रणनीति तैयार किया गया है कि किस प्रकार से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और जल्द ही जो है नक्सल को उखाड़ फेंकने का ये पूरा तैयारी किया जा रहा है। जी जी, नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी तैयारी की जा रही है। खुद रवि, कल इस नक्सली हमले के बाद सीएम भूपेश बघेल सामने आए, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि नक्सलवाद खत्म होने के अंतिम फेज में है, उनके इस बयान को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से कहा कि जो है नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है, और वो कुछ दिनों से कुछ महीनों से देखा जा रहा था कि नक्सल घटनाएं में जो है काफी कमी हो चुकी थी, नक्सलियों की उपस्थिति जो नहीं के बराबर आ रही थी, अब वो एक ही जो है बीते कुछ महीनों से कहा जाए तो दिसंबर और जनवरी से जो नक्सलियों का उत्पात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ महीनों पहले जो है बीजेपी नेताओं के जो है नक्सलियों ने हत्या की थी, उसके बाद जो है वाहनों में आगजनी जैसी घटना, बस में आगजनी जैसी घटना, या रोड में पेड़ काट कर जो है मार्ग अवरुद्ध करने जैसी घटना, पुलिस के जवानों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो आईडी प्लांट करने जैसी घटना को, काफी सारी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। और कहा जाता है कि ये जो टीसीओसी का जो समय है, जो कि फरवरी से मई तक का माना जाता है, इस समय जो है नक्सली जो है काफी आक्रामक होते हैं और कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं और जनता में जो है अपनी उपस्थिति को वो दर्शाना चाहते हैं और अपनी मौजूदगी वो बताते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर है जहां शहीद जवानों को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। और अब से कुछ देर बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। दो तस्वीरें हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, खुद सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे और वहां पर परिवारजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया गया।